फिनलैंड के प्रायोजक है। बीएमएच के मसाले अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और इस वक्त के बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दलसिंह सराय में निर्वाचन विभाग और जिला निर्वाचन पदाधिकारी के आदेशानुसार आगामी लोकसभा चुनाव के संदर्भ में ईवीएम के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता जागरूकता रथ को निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं मतदाता जागरूकता रथ पर प्रशिक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त रोशन और अखिलेश्वर कुमार को मतदाताओं को जागरूक करने और ईवीएम के प्रशिक्षण देने के लिए रवाना किया गया। मोकामा टाल क्षेत्र का कुख्यात अपराधी मौली यादव आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। गुप्त सूचना के आधार पर बाढ़ एएसपी लिपि सिंह की छापेमारी में मौली यादव के साथ दो अन्य शातिर अपराधी अवधेश यादव और टिंकू यादव भी शिकंजे में आ गए। वहीं इनके पास से एक देशी कट्टा और 5 कारतूस भी बरामद किया गया है। बता दें, मौली यादव इस टाल क्षेत्र का मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में शुमार है। नवादा के राम रत्नलाल थाली निवासी के 13 वर्षीय पुत्र को फिरौती नहीं दिए जाने पर अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे पीयूष की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एसपी ने कहा कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। थाली बाजार में रात को 2 बजे अपराधियों द्वारा क्या कपड़ों के द्वारा गोली चलाई गई है। व्यवसायी घर पर गोली, यहाँ जो घर में जो एक बच्चा है 13 साल का, उनको लग गए और बच्चा का मृत्यु हो। जहाँ तक जानकारी मिल रही है, 29 तारीख को आवेदन दिया गया गोली को थाना में, इसके बाद भी ये 3 तारीख को जो है थाना में प्राथमिकी दर्ज किया और इसके बाद हम लोग कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़े हैं। कल परसों इसके पुलिस छिटियात कर रही है, इसमें फोन है। प्रभारी बोला कि हम यहाँ कॉल दे दिए, वहाँ नंबर आपका नवादा। जहाँ तक हमें जानकारी मिल रही है कि थाना प्रभारी आवेदन लिया और FIR नहीं किया, ऐसा है? नहीं, FIR वो बोले हैं कि हम FIR अभी नहीं करते हैं, FIR करेंगे तो फिर हम थोड़ा अभी इसका जाँच कर लेते हैं। हम लोग जाग के ही रह रहे थे अभी 3-4 दिन से, हम लोग मोबाइल देख रहा था वीडियो, तो मेरा एक भतीजा निकला तो उसको पता था इस बारे में हमला, तो झट से पीछे चला गया छत पर। यही लड़का जो था कल DPS में पढ़ता है, आया कल शाम के घर ही आया था, स्कूल आज से छुट्टी है 5-6 दिन, इंटर का परीक्षा है, सेंटर वहाँ है, तो ये इसको पता नहीं चला, ये झाँक लिया उधर बाहर तरफ ग्रिल से, इसी बीच गोली मार दिया सर। कितना फायरिंग किया? 2 फायरिंग मात्र, एक नीचे किया था, एक ऊपर उसको। बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन पास होने के बाद बिहटा के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। बिहटा चौक पर तमाम लोगों ने अबीर गुलाल लगा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल और पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव को धन्यवाद दिया। बता दें, लगभग 10 साल पहले जब लालू यादव रेलवे मंत्री थे तब बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन का शिलान्यास किया गया था, लेकिन जब लालू रेलवे मंत्री के पद से हटे तो ये कार्य फाइल में ही रह गई। वहीं जब बीजेपी की सरकार आई तो पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव के अथक प्रयास से अब इस बार बजट में बिहटा औरंगाबाद लाइन को मंजूरी मिल गई है। से औरंगाबाद जो रेलवे लाइन पास हुआ है, मंत्री जी का बहुत ही अथक प्रयास सफल हुआ, जिसमें नौजवानों बिहटा ग्रामीण जितने भी क्षेत्रीय ग्रामीण हैं, नौजवान साथी हैं, आज खुशी की लहर है। बहुत पहले इसका कार्यक्रम बना था जो किसी कारणवश ये काम पूरा नहीं हो सका, लेकिन आज रामकृपाल जी के अथक प्रयास के बदौलत बिहटा से औरंगाबाद तक ये रेलवे लाइन पास किया गया है। इसके लिए मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी को लेकर आज नौजवान साथियों में बिहटा चौक पर खुशी की लहर है और मिठाई उठाई बांटा जा रहा है, नौजवान साथी बहुत खुश है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जो इस क्षेत्र के जितने भी जनता आते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ये सफल योजना रहा है रेलवे लाइन का। इसके लिए
आगामी 15 फरवरी को बेगूसराय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की सफलता को लेकर संपर्क अभियान पर वान चढ़ गया है। इसी कड़ी में बिहार भाजपा के संगठन प्रभारी नागेंद्र प्रसाद ने मोकामा नगर परिषद में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक कर केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी से लोगों को अवगत कराने का टास्क दिया। नागेंद्र प्रसाद ने उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत के साथ अन्य तमाम जन कल्याण योजनाओं की सफलता की जानकारी भी प्राप्त करने की अपील की। उपस्थित हुए हैं आगामी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम है, हम लोग को ही दिशा निर्देश देने का काम ऑपरेशन नकेल का असर बाढ़ अनुमंडल में अनुमंडल के सहायक पुलिस पदाधिकारी लिपि सिंह के द्वारा दिखने लगा है। घुसवरी थाना क्षेत्र के तातर गांव में पुलिस ने छापेमारी करते हुए वर्षों से फरार चंद्रमोहन यादव को उसके एक सहयोगी के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस इसे बड़ी उपलब्धि मान रही है। बाढ़ SSP कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान ASP ने उनके पूरे इतिहास के बारे में जानकारी दी। थाना अंतर्गत तारतर जो गांव है उसमें एक अभियुक्त का नाम चंद्रमौली यादव है, दूसरा अवधेश यादव। चंद्रमौली यादव पे 10 केस दर्ज है जिसमें 4 हत्या और कई एक आर्म्स एक्ट। लेटेस्ट केस जो था वो 2016 का 161-16 है, मोकामा थाना अंतर्गत। उसमें सन्नी नाम के एक व्यक्ति की रोड रेज में इन्होंने बहुत बेरहमी से हत्या कर दी थी और सन्नी ही हत्याकांड के दोनों अभियुक्त हैं। तो कल रात्रि छापेमारी में इन दोनों की वहां से गिरफ्तारी की गई है। कटिहार में ससुराल वालों ने दहेज ना मिलने पर शीला की हत्या कर शव को छिपा दिया और इसके साथ ही दहेज ना मिलने के कारण ससुराल वाले डायन कहकर उस महिला को प्रताड़ित किया करते थे। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीड़ित परिजन शीला के शव की मांग कर रहे हैं। दहेज के मामला में हम लोग जानते थे कि दहेज मांगता है, और एगो घटना किया है कि मेरा बेटा के तू कर दिया है, यही बोल के मेरा बेटी के मार दिया है। तो क्या समझता था? जान मार दिया। ओझागुनी समझता था? ओझागुनी, उसको साथ जी है, यही कारोबार करता है सब दिन, डायने जोगिन डायन जोगिन करता है। उसको बेटा हर हमेशा बीमार रहता है, कहता मेरा बेटी के कि तुही डान है, तुही डान है। वो मामा के बुलाया, मामा के बुला के झाड़ फूक किया। उसको मामा जो है कहा कि यही घरे वाला किया है, तो मेरा बेटी पर शक धर के मेरा बेटी के मार दिया जान। ये भी कैसूर उसको पति उस मामला में लड़की शीला देवी की माँ लिखित रिपोर्ट पर केस हुआ है। उसने आरोप लगाई है कि उसका पति सचिन और उसकी सास मौनी देवी और 3-4 लोग घर के मिलकर के उसका कहीं अपमान कर करके और उसको लाश को गंगा नदी में पुलिस द्वारा इस संबंध में काफ़ी कार्रवाई की गई। सरकारी स्तर पर वोट मंगाकर उसका छानबीन करवाया गया, झगड़ा लगाया गया, उसके लाश का पता नहीं चल पाया है। और इस मामले में 2 व्यक्तियों को के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 2 को गिरफ्तार किया गया है, शीला देवी के पति और उनके और शीला देवी की। बोल के क्या जाता था कि वो तुम डाइन हो,
तुम डाइन हो, तुम्हारे परिवार का मतलब जो मायके के लोग जो है सब डाइन है, हमारे घर के जो मतलब बड़े बेटा जेठ हो गए, तुम्हारा जेठ हो गया, हम हो गए, सब सबको किसी का तबीयत खराब होता था तो वो मतलब जो है उनको प्रताड़ित किया जाता कि तुम डाइन हो, तबीयत खराब हुआ है, सबसे मेन वजह तुम ही हो, तुम ही कर दी गई हो, तुम्हारे मतलब तंत्र विद्या कारण हम लोग मतलब जो है बीमार हो गए हैं। सो इस रूप में जो इसको प्रताड़ित कर के लास्ट में उस दिन भी रात में मतलब जो है जिस दिन घटना हुई है, परसों के दिन में जो रात में घटना हुई है, उस रात में भी तंत्र विद्या का पूरा इस्तेमाल वहाँ हुआ था, पूरा इस्तेमाल वगैरह हो के उसके बाद में उसको मार पीट करके उसको लास्ट में मतलब जो है गला दबा के मार दिया गया है। ये बात उनके छोटे बच्चे, उनका एक दो बेटा है जो मृत्यु हुई है लड़की, उनका दो बेटा है शीला देवी का, ठीक ना, उनका दो बेटा है, उसका जो सबसे बड़ा बेटा है वो बात आज सुबह सुबह वो लड़का बोला है कि हमारी मम्मी को जो है ना योगेंद्र पासवान यानी कि लड़का का मामा, उसके पति का मामा संजीत पासवान और उसका बड़ा भाई पति, उसका पति का बड़ा भाई संजीत पासवान उसका गला दबा रहा था और उसका बड़ा भाई जो है मामा जो है उसके मतलब जो है सीना पे लात धर, छाती पर लात धर के मार रहा था। वो लड़की मर गई है, लड़का रोने लगा है, उसका बच्चा ठोरोने लगा है, तो बच्चा को अंदर ले जाके रूम में उसको बोला गया कि बाबू तुम चुपचाप से रहो, तुम्हारी मम्मी का तबीयत खराब है, हम उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, बस बच्चा यहीं तक जान रहा है। उसके बाद लास्ट को रात में गायब कर दिया गया है, वो अभी तक भी गायब है। दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी पंकज दराद अररिया पहुंचे, जहां पुलिस लाइन में उन्हें पहले तो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद आईजी ने पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। इस मौके पर पूर्णिया डीआईजी अररिया एसपी और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। आईजी ने बताया कि हर वर्ष निरीक्षण किया जाता है, जिसमें पुलिस लाइन से लेकर कार्यालय तक की सभी लेखा जोखा की जाँच की जाती है। आप बहुत सारे और सरकारी विभाग भी हैं, है ना, ये तो खुला जगह देख रहे हैं, उतना सुरक्षित भी नहीं है, जहाँ नक्सल इलाका है। जानकारी आप में से किसी को कोई जानकारी है कि किसी जिला से न सिर्फ बिहार में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे संसार में साइबर क्राइम का आतंक है और उसके लिए बिहार में भी इसके लिए कार्रवाई चला है। मुख्यालय स्तर से हर एक जिला में एक साइबर टीम तैयार किया गया है और उस टीम को सुसज्जित किया गया है टेक्नोलॉजिकली, नए नए टेक्नोलॉजिकल सामान आए जिनसे कि हम साइबर क्राइम के जड़ तक जा सकते हैं, अपराधी को पकड़ने का उसमें आप रिट्रीव कर सकते हैं। लैपटॉप से जो भी मैसेज आप करते हैं उसको हम लोग वापस प्राप्त करिए, अगर आप डिलीट करते हैं तो भी हम रिट्रीव करते हैं। आपका जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है उसका फायदा उठा के टीम दिया गया है और इसमें उनको प्रशिक्षित भी किया जा रहा है और अच्छे प्रशिक्षण की भी तैयारी की जा रही है कि उनको किया जाए। तो अब हर एक इसमें सोच है और हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोगों को एक कैलेंडर ईयर में फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही हम लोग साल में एक बार एक जिला का इंस्पेक्शन करते हैं, उसमें एसपी ऑफिस के कार्यालय का भी और पुलिस लाइन का भी, आईजी भी करते हैं, डीआईजी भी करते हैं। तो इस समय हम लोग ये देखते हैं कि कार्यालयों में जो खाता है, बही है और जो रजिस्टर्स हैं उनका संधारण का तरीका कैसा है, संधारण अप टू डेट है, अद्यतन है, नहीं है, उसको एक तो होता है कि उसको अद्यतन कराएं और दूसरा है कि जो जब हम लोग ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं तो खास तौर पे जो अनुसंधान का तरीका क्या है, अनुसंधान का गुणवत्ता क्या है, निष्पादन की स्थिति क्या है कांडों का, उसके अलावा और भी चीज होते हैं, वारंट है, कुर्की है, यूडी केसेस है, प्लस और भी बहुत सारे कार्यालय के जो कामकाज होते हैं उनका एक हम लोग निरीक्षण करते हैं, उसमें गाइडेंस देते हैं, अगर अच्छा करते हैं तो प्रोत्साहित करते हैं, अगर अच्छा नहीं करते हैं तो संबंधित जो अधिकारी हैं, जो कर्मी हैं, जो उसको डील करते हैं उनको समझाते हैं, दंडित भी करते हैं। ये एक इससे एक पूरे साल भर में व्यवस्था जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है।
धनरवा बीडीओ रामजी पासवान के साथ उनके कार्यालय में असामाजिक तत्वों के द्वारा गाली गलौज कर मारपीट की धमकी दी गई। यह घटना उस वक्त घटी जब वे अपने चैम्बर में सरकारी कार्यों में व्यस्त थे। आए हुए युवक ने सरकारी कागजात को भी फाड़ दिया। मामला नल जल योजना से जुड़ा था। इस संबंध में वीडियो ने धनरवा थाने में युवक के विरुद्ध नाम दर्ज मामला दर्ज कराया। वही धनरवा थाने की पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लगभग 1:30 बजे कार्यालय में ही अपने कर्मियों के साथ कुछ जनप्रतिनिधि भी यहाँ थे, हम लोग कार्य कर रहे थे। इसी बीच वो मनोज कुमार चंद्रवंशी नाम के व्यक्ति आया और उसने वार्ड नंबर 14 में धनरवा पंचायत के वार्ड में चल रहे कार्यों के बारे में पूछताछ किया। हम लोगों ने बताया कि उस पर हम लोग नोटिस दिए हुए हैं, हम लोग जो विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई हुई होगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप मिले हुए हैं, ये हैं, बचा रहे हैं वार्ड सदस्यों को, और वो गाली गलौज शुरू कर दिया। यहाँ पे कुछ अभिलेख रखे हुए थे उसको फाड़ फूड़ दिए और काफ़ी हंगामा, आधे घंटे तक वो ऑफिस में हंगामा करते रहा। सारे जनप्रतिनिधियों के समझाने के बावजूद भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो अंत में हम बाध्य होकर FIR दर्ज किए हैं सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए, और थाना अध्यक्ष को उसको सुपुर्द कर दिया गया, उसकी अरेस्टिंग हो गई है। FIR के लिए हम आवेदन दे रहे हैं। जीविका संप्रेषित स्वयं सहायता समूह को भारतीय स्टेट बैंक अररिया द्वारा ऋण वितरण कैंप सह साक्षरता कैंप का आयोजन अररिया के SHG भवन में किया गया। इस कैंप का उद्देश्य नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और नारियों को आत्मनिर्भर बनाना है। इसमें एक समूह को 10 दिन के अंदर 6.9 करोड़ का ऋण वितरण किया गया। इसमें एक साल में 1.5 लाख का ऋण दिया जाता है, वही दूसरे साल में 5 लाख का ऋण दिया जाता है। जो है हमारा स्वयं सहायता समूह है, महिलाओं का स्वयं सहायता समूह है ये, और इसमें जो संगठन है बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी, बिहार सरकार की ओर से ये इसको चलाया जा रहा है और बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे इस पर कार्यक्रम होता है। गरीब महिलाएं जो है गाँव उनको उनके समूह तैयार किए जाते हैं, उसके बाद उनका जहाँ तक बैंकों की बात है जहाँ हम लोग बीच में आते हैं, हम बचत खाता खोलते हैं और उसके बाद कुछ महीनों बाद जो है हम उनको ऋण उनको देते हैं, क्रेडिट लिंकेज करते हैं। उसी माध्यम से जो है आज एक यहाँ के समूह का एक काफ़ी सारे समूहों का जो है एक कार्यक्रम किया गया है, और जिसमें पिछले हफ्ते में तकरीबन अररिया ज़िले में 6 करोड़ का लगभग जो है हमने वितरण किया है फर्स्ट डोज का। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े करोड़ों की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर चौक स्थित मुथुट फाइनेंस के ऑफिस की है, जहां लगभग आधा दर्जन अपराधियों ने सभी कर्मचारियों को बंधक बना लिया और 2 लाख रुपए नकद सहित कई किलो सोना लूट ले गए। आज सुबह तकरीबन 12:45 बजे घटना है, भगवानपुर गोलंबर के पास मुथुट फाइनेंस का ऑफिस है, जहां पर 4-5 की संख्या में हथियारबंद अपराधी आए थे और यहां के स्टाफ को बंधक बनाकर
यहाँ पे सेफ में जो सोना जमा होता है उसको लूटा है लोगों ने। अभी हम लोग मामले की छानबीन कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और पूरे एरिया की नाकेबंदी की गई है और साथ ही इस प्रकार के घटनाओं में जो भी पहले से चार्जशीटेड है और जो संदिग्ध हैं उन सब की सूची हम लोग प्राप्त कर रहे हैं और जितने अपराधकर्मी हैं उसको हम लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पर वैल्यू है अभी एस्टिमेट किया जाएगा, उसको एफएसएल की टीम को बुलाया गया है और एस्टिमेट के बाद ही हम लोग एग्जैक्ट अमाउंट बता पाएंगे कि कितने का लूट हुआ है। फिलहाल इनके पास 2 लाख कैश था और सोना जो इनके पास जो भी कस्टमर्स जो अपना रखते हैं लोन सिक्योरिटी के रूप में उसको लूटा गया है। सर बताया जाए क्या ये लूट हुई है? 11:40 के आसपास की घटना है, इसमें 5 से ऊपर अपराधी हल्का सा नीचे कीजिए चैम्बर में गए और सेफ खुलवा कर वहाँ पर जो कस्टमर का सोना होता है उसमें से कुछ सोना बैग में भर कर ले गए। इनका 9 करोड़ का लिमिट, उसमें से जो सोना ले गया इनकी जुबानी करीब 5 करोड़ का है। शेष जो बचा हुआ है उसका हम लोग ऐलान करेंगे, एफएसएल पहले जांच कर ले, एविडेंस का संकलन वहाँ से कर ले, उसके बाद है ना ये इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। अपराधी का चेहरा स्पष्ट है लोगों को, इनका कार्य करने का मोडस स्पष्ट है और विश्वास है कि हमारी टीम को जल्दी पहुँचेगी। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें यानी दिव्या सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।